पोसंपा पोसंपा खेल खेलते समय लड़की की हेयर पिन उसके गर्दन के आर पार हो जाती है और अब उसकी बहन उसे दोबारा जिंदा करने के लिए मुद्दो की नगरी में जाती है। दरवाजे को खोलने के बाद अंदर से काली चीची का पानी आने लगता है। सभी लोग गेट के अंदर घुस जाते हैं और लोगों को वहां पर खूब सारा सोना मिलता है। अभी एक सोने की चेन एक आदमी का परमानेंट मंगल सूत्र बन जाता है, वो उसे मार देता है। उसके बाद कुछ और लोग भी मारे जाते हैं, बट लड़की को क्या, वो तो अपनी बहन को दोबारा जिंदा करने के लिए किसी से भी अपना खेत भी जुतवा सकती है। इसके बाद लड़की अपने गन का उपयोग करके उस काली चीची के पानी में आग लगाती है, खुद वहां से कब्र को लेकर अपने घर पे आ जाती है। ये कब्र दरअसल एक डॉक्टर की होती है जो कि मिस्र में कांड का ऑपरेशन करते करते मर गया। उसे अपनी बहन को जिंदा करने को बोलती है बट वो तो मरा हुआ था, तो उसे अपनी पूरी उम्र भर मुट्ठी मारते हुए एक अंकल जी मिलते हैं जो कि अपनी शक्तियों से उस डॉक्टर को जिंदा कर देंगे ऐसे वो दावा कर रहे थे। लेकिन कुछ ही समय मुट्ठी मारने की वजह से उनका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और इसलिए वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते करते ही चल बसते हैं। लेकिन उस कब्र की मम्मी जग उठती है और अब वो लड़की अपनी बहन को जिंदा करने को उससे बोलती है। तभी वो बोलता है कि मैं डॉक्टर नहीं उसका असिस्टेंट। लड़की के मुंह से आवाज आती है लग गए लोड़े।